अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चिकन लिवर मसाला बनाएंगे, और पहले हम बनाएंगे आज कीटोजेनिक या कीटो डाइट पे जो लोग हैं उनके लिए कीटो चिकन लज़ानिया। ठीक है, उसमें हम कोई शीट लज़ानिया की यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ज़ुकीनी इन प्लेस ऑफ द लज़ानिया शीट्स। ठीक है, इस तरह मैंने काटे हुए हैं, इसी तरह पानी में भिगो के रख दीजिएगा और इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड रेसिपी, आज तीन रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। सेकंड रेसिपी हमारी होगी आज बेक पार्लर की, स्पगेटी यूज़ करके हम आज सिंगापुरियन राइस बनाना सिखाएंगे। चावल मैंने बॉईल करके यहाँ रख दिए हैं, और नूडल्स को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पानी गर्म कर दिया है। स्पगेटी वी आर गोइंग टू यूज़, नूडल्स ले लें, स्पगेटी ले लें, व्हाटएवर यू वांट टू। और फिर हम इसको खोलेंगे, बीच में से नॉर्मली मैं हाफ कर देती हूँ। ठीक है, पानी है गरम, इसमें हम नमक डालेंगे और शाताज कुकिंग ऑयल डालेंगे चंद कतरे, ताकि ये चिपके ना। वेरी गुड क्वालिटी पास्ता, मैंने उस दिन भी इस्तेमाल किया था। अगले बहुत सारे हफ्तों में मैं आप लोगों को बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। इनकी सेवैयाँ भी हैं, इनके सॉसेस भी हैं, जो कि आप सॉसेस वगैरह आज हम इस्तेमाल करेंगे। सो ये भी मैं आज चिकन से बना रही हूँ, सब्जियाँ हैं, चिकन है, एंड ऑफ कोर्स बेक पार्लर की स्पगेटी। ओके जी, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। लेट मी फर्स्ट क्विकली कम टू माई लज़ानिया, जो कि हम इससे बना रहे हैं ज़ुकीनी यानी माड़ू से, और इसको पानी में भिगो के मैंने काट के रख दिया था। पानी इसका निकाल देते हैं हम, फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली। यहाँ एक पैन ले लेते हैं, इसमें हम मक्खन डालते हैं, फिर उसमें लहसुन जाएगा, नमक, काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी चीनी है, तीन से चार टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था, छिलका निकाल दिया था, पार्सली है, बेजल है, चीज़ है, ग्रेट किया हुआ चेडर और मोज़रेला, और चिकन है, ब्रेस्ट फिले छोटे क्यूब्स में काटे हैं, पेपरिका है, मक्खन, और फिर हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें शाताज कुकिंग ऑयल भी डालना चाह रही हूँ, शाताज ज़रा सा और। जैसे ही मक्खन पूरा पिघल जाएगा और लहसुन सौते हो जाएगा, तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन ब्रेस्ट फिले के छोटे क्यूब्स कर दीजिएगा, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और चीनी जाएगी थोड़ी सी, फिर हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे, और ब्लेंड किए हुए टमाटर। फॉर अ नाइस कलर मैं इसमें बेक पार्लर का केचप या चिली गार्लिक सॉस भी डालना चाह रही हूँ। ये है यहाँ चिली गार्लिक सॉस, इट विल गिव अ नाइस टेस्ट टू योर चिकन। बहुत अच्छे सॉसेस हैं, आप भी इस्तेमाल करिएगा। ओके, ये हो गया। अब जो मैंने ज़ुकीनी के स्लाइसेस काटे थे, उसको आपने पानी में रख दिया था,
और फिर आपने इसके ऊपर सिर्फ नमक और काली मिर्चें डालनी हैं। सो नमक, काली मिर्चें, और आपने इसको लेयर करने शुरू कर देना है, सही है। सो एक डिश में आप पहले नीचे इस तरह ये जुकीनी रख दीजिए, कच्ची है ठीक है, सिर्फ मैंने काटी हुई है इस तरह। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे ये चिकन का मिक्सचर, आप बॉयल चिकन से भी बना सकते हैं इफ़ यू लाइक। ओ या, अब मैं इसमें भी शाताज कुकिंग ऑयल डालना चाह रही हूँ, द स्पगेटी दैट आई हैव पुट टू बॉयल बेक पार्लर की, ताकि ये चिपके ना। चिकन ब्रेस्ट फिले बहुत जल्दी हो जाती है। सो नाउ इस पे और थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें अच्छी तरह, ठीक है, जगह हो तो वी कैन स्क्वीज इन मोर, वी डोंट वांट के कुछ भी वेस्ट हो जाए। सो इस तरह हम स्क्वीज इन कर देंगे। यहाँ जो मेरे पास ये जो पूरा मिक्सचर है ये पूरा इसके ऊपर जाएगा। फिर इसको हम कवर करेंगे विथ मोर जुकीनी। एंड हम इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते अंदर डालेंगे, ये तो ऑब्वियसली इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हम बाद में करेंगे ऊपर से। और ये आपने इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्चें डालनी है, ठीक है, इसके ऊपर और कुछ नहीं डालिएगा। ये जब कुक होगा, बेक होगा ओवन में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। आपने इसके ऊपर अब बहुत सारा चीज़ डालना है, बिकॉज़ एज़ यू नो बहुत हाई फैट डाइट होता है, कीटोजेनिक या कीटो जो कर रहे हैं ये डाइट, उनके लिए ये रेसिपी मैंने बनाई है। सो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और वेजिटेबल्स के साथ चिकन एंड चीज़, यू कैन एन्जॉय दिस रेसिपी। चलिए मैं अब इसको अवन में रख देती हूँ, अवन को मैंने प्रीहीट किया हुआ है ताकि ये सारा कुछ होता रहे, देन वील कम टू आर नेक्स्ट रेसिपी, ठीक है जी। ये चलिए डन, अब आराम से मैं आपसे बात करूं और मैं आपको ब्रेक की तरफ भी ले चलती हूं और याद भी दिलाती चलूं कि अगर आपने जीतना है हमारे शो के थ्रू, आज है हैंडी मीट मिंसर इनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताइए सब्जियों के नाम, बहुत सारी सब्जियां आज यूज़ कर रहे हैं, सब्जियों के नाम तीन चार को अच्छी सी सब्जियों के नाम लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। ओके, अब मैं आपको रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था। फॉर माय चिकन कीटो लज़ानिया, कीटोजेनिक डाइट में आप पास्ता वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसको पास्ता की जगह लेयर करने के लिए मैंने जुकीनी के स्लाइसेस काटे थे, ऐसे लंबे काटिएगा ठीक है, बड़ी जुकीनी लीजिएगा। चिकन ब्रेस्ट या बॉयल कर दीजिएगा या इसी में पका लीजिएगा। नमक, काली मिर्ची हमने जुकीनी के स्लाइसेस पे लगा दी। टमाटर मैंने 3 से 4 लिए थे, गर्म पानी में डाला था, छिलका उतारा था, फिर मैंने उसको डाल दिया एक ब्लेंडर में और ब्लेंड कर दिया, ठीक है। प्यूरे आपको यूज़ करनी है। मक्खन आपने पहले बहुत सारा गर्म किया, उसमें आपने लहसुन डाला और उसको सॉटे किया, चिकन डाला, नमक, काली मिर्चें गई उसमें, पेपरिका का पाउडर गया, थोड़ा सा हमने इसमें चीनी डाली है, और फिर आपने चिकन को पकाने के लिए छोड़ दिया। मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने ग्रेट कर दिया था, और लेयर आपने करना है। सो नीचे डिश में पहले आप लगाएंगे वो जुकीनी के स्लाइसेस, नमक, काली मिर्चें सिर्फ लगा के, कच्ची हैं ठीक है, बॉयल नहीं की हैं, उस पर वो चिकन का पूरा मिक्सचर जाएगा, और चिली गार्लिक सॉस मैंने थोड़ा सा डाल दिया था बेक पार्लर का, क्योंकि वो नाइस कलर एंड अ वेरी नाइस टेस्ट। उसके ऊपर दोबारा फिर वो चिकन, चिकन के ऊपर वो जुकीनी के स्लाइसेस, इस तरह करते जाइएगा, डिपेंड्स कितना बड़ा आपको बनाना है।
और उसके ऊपर पूरा वो मैंने डाल दिया था चीज़, और थोड़े से तुलसी के पत्ते रखे थे बीच में, और फिर उसको बेक करने रख दिया था। अब बेक होगा ना तो जुकीनी के स्लाइसेस भी बेक हो जाएंगे, विल्ट थोड़े से होंगे, टूट जाएंगे, उसमें से भी अपना एक पानी निकलेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। वेजिटेरियंस के लिए बना रहे हैं तो चिकन की जगह आप कुछ भी नहीं डालिएगा, सब्ज़ियाँ ही डालिएगा, ठीक है। गाजर, मटर, आलू डाल सकते हैं, मिक्स्ड सब्ज़ियों की बैग जो आती है फ्रीज़र सेक्शन में वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, यू कैन डू दैट। ओके, अब हम चिकन लिवर मसाला की तरफ बाद में आएंगे, पहले हमें यहाँ आ जाती हूँ बेक पार्लर की जो रेसिपी हमारी है। आपको पता है बेक पार्लर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे इनके पास शेप्स हैं मुख्तलिफ, 18 शेप्स हैं, इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार करता है और बहुत कमाल इसका टेस्ट है। इनके सॉसेस भी बहुत सारे अच्छे हैं, सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, और आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने प्लान की हुई हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, महीनों तक मैं ट्यूसडेज़ एंड थर्सडेज़ आपके साथ ये रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस, उसके बारे में मैं बताती चलूँ कि इट्स नॉट अ रियल रेसिपी, इट्स बिन अ कॉन्कॉटेड रेसिपी, सिंगापुर में कहीं नहीं मिलती है। नूडल्स या स्पगेटी और चावल के साथ चिकन और सब्जियों का और सॉस का कॉम्बिनेशन है। सो ये हम आप लोगों की फरमाइश पर बना रहे हैं आज। एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, करेले, भिंडी, गोभी, शलजम, मटर, गाजर, पालक, मेथी, साग और आलू, इसमें से आप क्या क्या खाती हैं? मैं सारी सब्जियां खाती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और टिंडे मुझे बहुत पसंद है, करेले कुछ तो मुझे फेवरेट है मेरा। मुझे भी, तो ये सब्जियां सारी मैं पसंद करती हूँ। ओके वेरी गुड, ऐसी इसी तरह खाते रहना चाहिए, पूरा टाइम गोश्त मुर्गी नहीं खा सकते हैं। मुझे गोश्त इतना पसंद भी नहीं है, मैं ज्यादा सब्जियां लाइक करती हूँ। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, थैंक यू। और कुछ मुझे और कुछ कहना है? तो माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, आज आप रेसिपी ट्राई जो बना रही हूँ जरूर ट्राई करूंगी। जी जरूर करिएगा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फरमाइश थी मेरी एक क्लब सैंडविच बनाना सिखा दे। ओके बनाएंगे जरूर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़ जी। ओके नाउ झटपट, बहुत सारा काम है आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी। सो देयर इज अ सॉस इन्वॉल्वड, ये सॉस जाएगा इसके ऊपर। सो यहाँ मेरे पास है मेयोनीज, एक बोल में सॉस रेडी कर देते हैं, फिर चिकन को पकाते हैं ऐसे झटपट। आपको पता है मैं हर चीज़ झटपट पकाती हूँ। इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नमक, एंड इसको हम कर देते हैं मिक्स। इसको साफ ही रखते हैं, इधर रख देते हैं, ठीक है। मेयोनीज है, लहसुन है, नमक है, और एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं सोच रही हूँ व्हाई नॉट यूज द चिली सॉस ऑफ बेक पार्लर। ठीक है, ये सॉस ऊपर से जाएगी, इसको तो हम यहां रख देते हैं। ओके नाउ, सबसे पहले यहाँ ज़रा जगह करते हैं एंड हम पकाना शुरू कर देते हैं चिकन। शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे, शाताज इस्तेमाल करिएगा तेल। यूं ही इसी तरह खाने पीने के सिलसिले चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और, प्याज है, लहसुन है, शिमला मिर्च है, चिकन है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। मक्खन हम बाद में यूज़ करेंगे। जब बेक हो जाएगा कीटो लज़ानिया तो मैंने यहाँ रखा हुआ है तुलसी और पार्सली, वो हम बाद में डालेंगे। ओके ऑन टॉप प्याज, लहसुन, अब इसको जरा होने दीजिए थोड़ा सा अच्छा सा सुनहरा, फिर नेक्स्ट स्टेप। तब तक मैं आपको बताती चलूं समथिंग अबाउट
बेक पार्लर। आप इनके 26 इनके टोटल पास्ता के रेसिपी मिक्सेस हैं, जिसमें टिक्का मैकरोनी है, मलाई बोटी मैकरोनी है, कीमा मैकरोनी, शाश्लिक मैकरोनी, बाल्टी मैकरोनी, चाउमिन और हरा मसाला, स्पगेटी, चिली स्पगेटी है, हॉट एंड सास स्पगेटी है, सेवन स्पाइसेस मैकरोनी है, जलफ्रेजी मैकरोनी है। सो लॉट ऑफ फ्यूजन रेसिपीज़, ठीक है जी। और आप बेक पार्लर का पास्ता लाइए, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने यहाँ रखी हुई हैं, फ्यूजन कॉन्टिनेंटल पास्ता, देसी टच जो हम रेसिपी मिक्सेस में इनका है, ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स ही अपने आप को कहलाते हैं। और ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट दैट, 26 मुनफरिद जायके हैं जो आपकी डाइनिंग टेबल को देंगे एक नया ट्विस्ट। चिकन थोड़ी सी कुटी हुई, लाल मिर्चें, ब्रेक है, ओके चलिए चिकन तब तक पक जाएगा, हम लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। चिकन जब हो जाए तो आपने गाजर और शिमला मिर्च डाल देना है, सब्जियों को ज़्यादा कोई पकाना नहीं है, आपको पता है, ठीक है, कलर उसका बरकरार रहे, ज़्यादा पका लेंगे उसका भुरता बन जाएगा, फिर कोई मज़ा ही नहीं है। थोड़ी सी हरी मिर्चें, इफ़ यू लाइक इट स्पाइसी, अच्छा। और हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा हरा धनिया। सॉसेस का टाइम आ गया है, सो बेक पार्लर का सोया सॉस, एंड केचप, थोड़ा सा पानी, बिकॉज मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए। अच्छा जी, मैं रीकैप कर दूं, अज्जा क्या क्या थे, देखिए मेयोनीज सॉस के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा केचप भी डालना है, मेयोनीज है, केचप है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और मैंने थोड़ा सा चिली सॉस भी डाला था, गार्लिक का पेस्ट था, एंड दिस इज योर सॉस फॉर योर सिंगापुरियन राइस जो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऑन टॉप, ओके। फिर ग्रेवी के लिए शाताज कुकिंग ऑयल गरम किया था, बोनलेस चिकन क्यूब डाल दिया, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, अदरक लहसुन हमने डाला, हरी मिर्चें थी, लेमन जूस, सोया सॉस और चिली सॉस हमने डाला है बेक पार्लर का, काली मिर्चें हैं, और हमने इसमें हरा धनिया डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, केचप डाला है, और अगर आपको इसको थिक करना है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और पानी डालेंगे, जो कि यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और पानी है, इसको आप स्लरी बनाएंगे, यानी कि इस तरह पानी और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करते हैं तो उसका स्लरी बन जाता है, एंड देन जस्ट पुट दिस इन योर चिकन। चिकन और सब्जियाँ हो गई हैं, ठीक है, चावल बॉइल्ड हैं, और मैंने यहाँ स्पगेटी भी बॉयल कर दी थी बेक पार्लर की, जस्ट मिक्स दिस नाइसली, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। कॉलर हैं जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनक जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, आप बहुत शुक्रिया जी, अच्छे बनाती हैं और रेसिपी भी अच्छी बनाती हैं, और आपका शो भी बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और आपके सवाल का जवाब भी देंगी। जी जी फरमाइए। आलू, मटर, गाजर, जुकीनी, गोभी, पालक, धनिया
और आप क्या खाती हैं इसमें से? मैं सब खाती हूँ, कोई सब्जी ऐसी नहीं जो मैं नहीं खाती। करेले भी खा लेती हैं? जी जी, मैं करेले बड़े शौक से खाती। प्लेन वाले के कीमे वाले? वैसे जो खाली बनाते वो भी खाती हूँ और कीमे वाले भी खाती। खाली वाले भी खाती हैं, भरे हुए भी खाती हैं? जी जी। अच्छा जी जी, वेरी बहुत प्यारे। कहते हैं करेले कड़वे हैं, लेकिन जब उसे अच्छी तरीके से बना तो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी जी, मैं बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ। मगर थोड़े से तो कड़वे होने चाहिए ना, वरना मजा नहीं आता है ना, वरना जैसे फीके फीके होते। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा मुझे है, बहुत प्यारी है, सब सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती। चले अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, क्या बात है आपकी। अच्छा अब ये ग्रेवी ऊपर जाएगी, बहुत भारी होगा, बस उठा लेते हैं जल्दी से। वी डोंट वांट के नूडल्स छुप जाएं, हमारे स्पेगेटी नहीं छुपनी चाहिए। और स्पैचुला से पूरा लीजिए, अवन दिखाइएगा, वो पूरा विल्ट हो चुका है मेरा मारू जो है, जुकीनी जो है, और बहुत ही अच्छा सा चीज जो है वो हो रहा है गोल्डन। ये हो गया, अब एक और चीज रहती है, सॉस नहीं। अभी देखें क्या करते हैं, अभी हम लेंगे एक पैन, उसमें हम, मैं इसको जरा यहां से हटा लूं, बहुत भारी है। इसमें हम डालेंगे मक्खन बहुत सारा। आज तो इतनी सारी चीजें हैं कि मेरे चमचे भी खत्म हो गए, मतलब ये वाले चमचे। हाँ अच्छा, ये चला गया, और जैसे ही मक्खन हो जाएगा हम फ्राई करेंगे इसमें लहसुन और हरी मिर्चें। ये देखें बबल हो रहा है, चीज़ बहुत अच्छा गोल्डन हो रहा है, और जो जुकीनी के स्लाइसेस हैं वो पक रहे हैं उसके साथ, उसके सॉस में, इसलिए मैंने सॉस थोड़ा ज़्यादा रखा था कि सूखा सूखा ना हो। हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, और क्या था, कुछ और भी था, मैं भूल रही हूँ, बस यही था, दैट्स इट, एवरीथिंग इज डन। इसको हटा लेते हैं, इसकी सॉस जाएगी ऊपर, और ये हरी मिर्चें और हरा लाल वाली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, आपको जितनी डालनी हो वो प्लीज़ आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। वी आर एडिंग दिस बिकॉज दिस इज व्हाट गोज इन आवर रेसिपी, लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई करके डालिएगा मक्खन में, वो भी बस। अब एक और रेसिपी रह जाती है, चिकन लिवर। मुझे चिकन लिवर बहुत पसंद है, मैं पाटे बना के खाती हूँ या मैं ऐसे ही आलू के साथ पका के खा लेती हूँ। मुझे मटन लिवर बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, स्मेल की वजह से वैसे ही मुझे नहीं पसंद। सो जब अच्छी तरह लहसुन फ्राई हो जाएगा, एक खुशबू सी आ जाएगी, फिर हम ये मक्खन लहसुन और हरी मिर्चें ऊपर डाल देंगे। चावल हैं, स्पगेटी है बेक पार्लर की, ऊपर चिकन और सब्जियां हैं, फिर सॉस जाएगा। ये एक पूरी रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पे आएंगे। ठीक है, समझ आ गया, और मक्खन जाया तो नहीं करेंगे, ऐसे करके निकालेंगे पूरा। अब सॉस, मुझे लग रहा है कि सॉस का कलर थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, तो इसीलिए मैं बेक पार्लर का टमेटो केचप थोड़ा सा डालूंगी। अरे वाह, बचत भी है 20 रुपए की, ये देखें यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। एंड मिक्स इट टुगेदर, और आप इसको, मैं चम्मच से डालती हूँ बिकॉज ये बहुत सारा चला जाएगा वैसे वरना। ठीक है, मैं पूरा ऊपर नहीं डाल रही हूँ, उप्स चला गया थोड़ा सा, ताकि सारे लेयर्स नजर आए। अब ये बनाइएगा, ठीक है, जिसकी भी फरमाइश थी उन्हीं के लिए मैंने बनाया है, प्लीज अब बना लीजिएगा, फिर बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं, इस दफा आप बना लीजिएगा, ओके। एंड अब ये भी जाया नहीं हो सकता है, अच्छी भी आदत है बुरी भी आदत है, स्पैचुला के बगैर चैन नहीं है मुझे। सो ये निकालिए अच्छी तरह बोल में से, इस तरह करके
देखें कितना सारा था ना, ये ज़ाया हो जाता। और यहाँ बीच में रख दीजिए इसको, फिर तो आप मिक्स करके ही खाएंगे ना। अच्छा जी, कॉलर हैं, क्या हुआ? जी जी, हेलो हेलो जी जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप ठीक हो जन्नत आपी? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैं आपका शो बहुत अच्छे से देखती हूँ, यानी कि मुझे बहुत पसंद है आपका शो। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। मैं आपके आंसर देना चाहती हूँ क्वेश्चन का। जी जरूर। पालक, बैंगन, तोरी, कद्दू, गाजर, मूली, शलजम। वेरी गुड, ठीक है। सब कुछ खाती हैं कि कुछ नहीं अच्छा लगता? नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ सब्जी, बस बन जाती है, बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, ज्यादा गोश्त खाती हैं? जी खाती हूँ, पर मैं बहुत स्मार्ट हूँ। स्मार्ट है, अच्छा जी। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? अरे सब्जियाँ खाएं, वो हेल्दियर हैं जी, है ना जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। शाताज कुकिंग ऑयल। ओके नाउ, आपके पास टाइम हो तो आप चिकन की लिवर को मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। इसमें दही जाएगा, अदरक लहसुन है, लाल मिर्चें हैं, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है, नमक है, काली मिर्चें हैं, दैट्स इट। सो हम सब कुछ साथ में ही पकाना शुरू कर देंगे, आज तो फिर टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। इसको तो देखते हैं ज़रा कहाँ तक पहुँचाइए, ठीक है? दिस इज ऑलमोस्ट डन, बस अब मुझे इसको निकाल देना है। इसमें कोई प्याज श्याज नहीं है, ठीक है? काफ़ी सारा इसमें अदरक लहसुन जाएगा और इसको आप अच्छी तरह सॉटे करेंगे। जब अच्छी तरह सॉटे हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये चिकन की कलेजी है 1 किलो, वो डालेंगे। और तब तक लीजिए आप लोग एक छोटी सी ब्रेक, और बहुत सारे मैसेजेस करिए, सब्जियों के नाम बताइए। अगर आप मीट मिंसर जीतना चाहते हैं, इनिक्स की तरफ से हमारे शो पे आज गिफ्ट है। 888-1 पे SMS करिएगा अपने फ़ोन से, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मैं कलेजी डाल देती हूँ। शाताज कुकिंग ऑयल में मैंने अदरक लहसुन और चिकन की कलेजी को अच्छी तरह भून लिया है, ठीक है? ओवर कुक नहीं करिएगा इसको। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो लाल मिर्चों का पाउडर है, ये थोड़ी स्पाइसी बनती है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। आप मटन की कलेजी के साथ भी इसी तरह इसको पका सकते हैं, मैंने नहीं बनाई मटन की, मैं चिकन की बना रही हूँ, ठीक है? कुटी हुई काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, नमक है, नमक मैं बाद में डालती हूँ कलेजी जब भी मैं बनाती हूँ, और गरम मसाला पाउडर है। वेरी सिंपल, वेरी इजी रेसिपी, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा, एंड देन दही गोज इन दिस। बहुत आसान है, ठीक है? कोई प्याज नहीं, टमाटर नहीं, बस दही डाला और इसको अच्छी तरह भून लीजिए एंड सर्व इट। इसको फौरन उसी वक्त बनाइएगा, दही और मसाले लगा के आप कलेजी को रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए, फ्रिज में रख दीजिएगा। कीटो लज़ानिया प्लीज़ दिखाइए, वो मैंने अवन में से निकाल दिया था और यहाँ रख दिया था। इसके ऊपर हमने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं, वो जो सिंगापुरियन राइस है, बेक पालक की रेसिपी जिसमें नीचे बॉयल चावल थे, उसके ऊपर हमने स्पगेटी बॉयल करके डाल दी थी, चिकन का मिक्सचर था सब्जियों के साथ, और वो हरी मिर्चें और लहसुन हमने तला था मक्खन में, और उसके ऊपर ये केचप वाली सॉस, ठीक है? बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और चिकन लिवर मसाला में मैंने चिकन लिवर, दही, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्चें, नमक और शाताज कुकिंग ऑयल, दैट्स इट। इसको ब्रेकअप कर दीजिएगा, बीच में से लाल नहीं रह जाए हाँ कलेजी, लेकिन ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा वरना ये हार्ड हो जाएगी। चिकन लिवर, कलेजी इस तरह, और चिकन ब्रेस्ट, झींगे, ये सब कुछ ओवर कुक नहीं करते हैं। एंड में आप थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल कर दीजिए, एंड दिस इज़ ऑल डन। सजाना हो तो आप टमाटर के स्लाइस वगैरह रख सकते हैं, वील डू समथिंग ऑल्सो, ठीक है? बस चेक कर लीजिएगा कि ऐसे तोड़ें जब तो अंदर से बिल्कुल लाल ना हो।
कम दही डालिएगा इफ़ यू वॉन्ट इट अ बिट ड्राई. अच्छी तरह भून लीजिएगा अदरक लहसुन में पहले, ये याद रखिएगा. रिकैप की तरफ चलते हैं. आज की तीनों रेसिपीज़ में से अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो हमारा शो देखिए, स्लाइड्स चलेंगे, रेसिपी कार्ड चलेगा, उसमें से कॉपी करिए, अपनी डायरीज़ में लिखिए. और डायरीज सिर्फ भरते नहीं रहिएगा, बनाइएगा भी ज़रूर कुछ, ठीक है. चलिए मैं लेती हूँ ब्रेक. और आपने बहुत सारे SMS करने हैं 8881 पे अपने फ़ोन से. अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से मीट विंसर, ये गिफ्ट है हमारे थ्रू, इनेक्स के थ्रू, तो जल्दी से आप बताइए सब्जियों के नाम. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. ब्रेक ब्रेक. वेलकम बैक. लज्जत में 5 बजे लाइव आप देखेंगे फिश कटाकट, हरा मसाला बिरयानी, फ्रूटी कस्टर्ड सेवैयां. और मैं कल बना रही हूँ 3:30 बजे लाइव जिंजर ओटमील हलवा और वेजिटेबल मक्खनी. विनर हैं आज की शफक फ्रॉम हैदराबाद. सो आई होप आपने ये रेसिपीज एंजॉय की होंगी, इस एपिसोड को देखा होगा या आप बनाएंगे ज़रूर, ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा. कीटो लजानिया हमने चिकन के साथ बनाया था, चिकन की लिवर मसाला था आज, और सिंगापुरियन राइस. ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा. 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ दोपहर में फूड डायरीज़ पे, मसाला TV पे, और रात में 12 बजे दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा. और इसी तरह रेसिपीज़ सारी हमारे साथ ट्राई करिएगा, हमारे रिकॉर्डेड शोज़ देखिए, हमारे लाइव शोज़ देखिए. और अब इट्स टाइम टू एंड द शो. आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. खुदा हाफिज़.